नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एज प्रॉब्लम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले एज प्रॉब्लम का हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के उसके सवाल को हम जो है एडजस्ट किए हुए थे। आज जो है हम पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को इस वीडियो में रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रश्न है वह प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए सवाल है। तो चलिए सवाल आते हैं और पहले सवाल को देखते हैं। देखिए, सवाल है आपका पहला, कहता किरण है, संयोग है और नम्रता है, उनकी आयु का योग बोला है कितना है, 93 93 है और उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 है। ध्यान दीजिएगा, उसकी उम्र का अनुपात 2:3:4 कब है, 10 वर्ष पहले की कहानी है, 10 वर्ष पूर्व की कहानी है। तो देखिए, एक चीज बताइए, अनुपात तो चेंज होते रहता है, ध्यान रखिएगा। तो यदि ये 10 वर्ष पहले अनुपातिक राशि यदि x माना जाए, 2x 3x आदि और 4x था, तो इसमें 2x + 10 3x + 10 और 4x + 10 तब ना बराबर 93। यानी हम तेजी में कैसे बनाएंगे, जरा सोचिए। 10 वर्ष पहले का अनुपात ये था 2:3:4, तो 10 वर्ष पहले का योग क्या था, अभी वर्तमान में तीनों का योग 93 है, तो 10 वर्ष पहले क्या होगा, आप 83 मत बोलिएगा, क्योंकि 10 10 तीनों में कमी आएगा, तो 10 या 30 की कमी आएगी, अर्थात 63। यानी 10 वर्ष पहले इसका योग जो था 10 वर्ष पहले 63 था। तो भैया 4 3 7 2 9 अनुपातिक 9 के लिए कितना, 63, तो 9 सती, तो 1 के लिए 2, 1 के लिए 7, तो 2 के लिए 14, 2 सती 14, 3 सती 21 और 4 सती कितना, 28। पूछा है संयोग की वर्तमान आयु कितनी है, तो संयोग 10 वर्ष पहले 21 साल का था, अभी कितना होगा, 31 साल हम टिक लगाएंगे। क्लियर है? तो ये सवाल जो है आप देखें, अगला सवाल देखिए, कहता पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 साल है, फादर है और सन है, वर्तमान में उसका योग 60 है। क्लियर? आदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, अर्थात पुत्र एक था तो पिता कितना था, 5 था, कितना वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। क्लियर है? तो पुत्र की 5 गुनी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, हमको एक चीज बताइए, वर्तमान में दोनों का योग 60, तो भैया 6 वर्ष पहले योग कितना होगा, इसमें भी 6 घटेगा और इसमें भी 6 घटेगा, यानी भैया 60 में 6 गया तो 54, 54 में 6 गया तो कितना, 48, यानी दोनों में 6 6 कमेगा, इसमें भी -6 इसमें भी -6, तो योग कितना होगा, 48 होगा। यानी 6 वर्ष पहले जब इसका अनुपात 5:1 था तो योग 48 था, योग कितना था, 48। तो भैया अनुपातिक में योग कितना था, 5 1 6 6 के लिए कितना 48 6 के लिए 48, तो 1 के लिए कितना 8, 1 के लिए यदि 8 तो 5 के लिए कितना 40। कहता है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, ये 8 साल 6 साल पहले की आयु है, तो वर्तमान में कितना, 8 6 14, आपको वर्तमान में भी नहीं पूछा है, 6 वर्ष बाद पूछा है, तो और 6 जोड़िएगा, किसमें टिक लगाइएगा आप, 20 में टिक लगाइएगा और जवाब दीजिएगा। अगला सवाल है 3 नंबर, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा, और उनकी आयु का अंतर क्रमशः 4 वर्ष है। 4 भाई जो मानिए सबसे छोटका x साल था, दूसरा x+4 था, तीसरा x+8 था और ये x+12 था, और इन चारों का योग कितना है भैया, 56 है, बराबर 56। तो आप जरा देखिए, 12 8 20 4 24 जाके उधर घटेगा, तो x x x क्या बार, 4 बार, 4x बराबर 56 घटा 24, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा, 32। x बराबर कितना होगा, 8, यानी ये x 8, ये 12, ये 20 और ये कितना आपका हो जाएगा, 8 4 12 और ये आपका हो जाएगा कितना, 12 4 16 और ये 16 4 कितना 20। क्लियर है? तो कहता है सबसे बड़े भाई की आयु कितनी, हम क्या करेंगे, 20 में टिक लगाएंगे। क्लियर है? दूसरा तरीका आप अख्तियार कर सकते हैं, कैसे, देखिए चारों का योग यदि 56 है तो जब समानांतर श्रेणी चलता है ना, तो जो पहला और अंतिम पद का योग जो होता है, जैसे इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज होगा 56 बटा कितना 4 यानी 14। तो आप जल्दी से माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, ये 14 चूंकि सम में है 4 को, ये 14 यदि यहां है, ये 12 ये 16,
फिर इसमें चार जोड़ देंगे, ये 20 और ये कितना 8, ये जल्दी जल्दी बनाने का तरीका है जिसको हम जो है जब एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें विशेष रूप से सीखेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़िया। अगला सवाल है कि विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। देखिए हस्बैंड था और वाइफ है, कहता विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से इससे 6 वर्ष बड़ा था प्लस 6। कब? विवाह के समय। पर विवाह के 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पत्नी की से कितना है? 5/6 गुनी है, अर्थात वाइफ 5 है तो ये 6 है। कब? ये ध्यान दीजिएगा, यह अनुपात जो है विवाह के 12 वर्ष बाद है, विवाह के 12 वर्ष बाद है, विवाह के 12 वर्ष बाद की बात हुई है। तो हमको एक चीज बताइए, विवाह के समय दोनों के आयु पूछी गई है, हमको एक चीज क्लियर कीजिए, यदि ये दोनों में अंतर 6 वर्ष का है, विवाह के समय अंतर 6 वर्ष का है, तो अभी क्या चेंज हो गया होगा क्या? नहीं, अभी भी अंतर वही रहा होगा। तो ये अनुपातिक अंतर कितने का? 1 का। वास्तविक अंतर कितने का? 6 का। अनुपातिक अंतर 1 का और वास्तविक अंतर कितने का? 6 का। 1 = 6 तो 6 = 36 और 5 = कितना 30। तो विवाह से 12 वर्ष बाद, विवाह से 12 वर्ष बाद जो है उसकी आयु 36 और क्या है? 30 है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, विवाह के समय आपको पूछा है तो इसमें 36 में कितना घटेगा? 12 घटेगा। क्या है? विवाह से 12 वर्ष बाद का यह अनुपात है। तो विवाह के समय कितना? 36 में 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? 24। और ये मार जाएगा तो कितना? 18। यानी हम 24 और 18 में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे, गलती नहीं कर जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, कहता है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। ध्यान दीजिएगा, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। हमको एक चीज बताइए, यदि पुत्र अभी एक्स साल का, पुत्र अभी एक्स साल का, तो जब वह पैदा हुआ था तो यह 0 साल का था। समझ लीजिए, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, फादर है और सन है, फादर अभी है 20 साल का, ये सॉरी पुत्र है अभी 20 साल का, और पिता इसको कहता है जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारे उम्र के बराबर था। इसका अर्थ यह जब पैदा हुआ था तो 0 साल का था और यह 20 साल का हो गया, और पिता अब पुत्र अब 20 साल का है, इसका भी उम्र तो 20 साल बढ़ा, यानी यह कितना साल का हो गया? 40 साल का, तब यह 20 साल का। वही चीज मैं कह रहा हूं कि कहता है कि पुत्र का हम उम्र क्या मान लिए? एक्स। इसका अर्थ जब इसका उम्र 0 था तब यह कितने साल का था? पिता था कितना साल का? जब पैदा हुआ था ये, यानी जब यह 0 साल का था तो तब यह एक्स साल का। क्लियर? अब ये एक्स साल का है, ये पुत्र कितना साल का है? अब एक्स साल का, यानी कितना दूरी तय किया, कितना उम्र का फासला हुआ? एक्स साल का फासला तय किया, तो ये भी तो एक्स साल बढ़ा होगा ना, तो यानी यह कितने साल का भी है? 2x साल का। यही समझना था। क्लियर? तो कहता है कि बताइए कि यदि इस समय पिता की उम्र कितनी है? 36 वर्ष है, तो भैया 2x = कितना 36, x = कितना 18, तो पुत्र की आयु 5 साल पहले क्या थी? 18 अभी है, 5 साल पहले क्या था? 13। आप टिक लगाएंगे। तो रीजनिंग टाइप का ये सवाल था जिसको आपको सिर्फ समझना था। छठा सवाल है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगुनी है, फादर है और सन है, और कहता पिता की उम्र बड़े पुत्र की दुगुनी है, ये बड़का बेटा को ए मान लिए हैं, ये 1 है तो यह क्या है? दुगुना है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की दुगुनी हो जाएगी, और फिर क्या कर रहा है जरा सुनिएगा, यदि दोनों पुत्र के बीच जो है 15 वर्ष का अंतर है, ए और बी के बीच, छोटका पुत्र को बी माने हैं, इसके बीच 15 साल का अंतर है, 15 साल का, 7 दिन 15 ये का अंतर है, तो 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो है 10 साल बाद ये फादर 3 हो जाएगा और छोटका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपको पूछा है पुत्र ये पिता की उम्र कितनी है, ये आपको जवाब देना है। तो देखिए प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब ग्राफ खींच लिए हैं, हम इसको छोटका पुत्र को मानते हैं एक्स, तो बड़का पुत्र क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 साल का अंतर सब दिन रहेगा, और वर्तमान में मैं बी का माना हूं एक्स, और उसके बाद क्या है जरा देखिए,
ये इसका दुगुना है फादर, यानी यह 2x प्लस क्या है 30, यानी वर्तमान में हम तीनों का क्या किए, मान लिए। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो भैया ये 10 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस कितना 10, और ये 10 वर्ष बाद हो जाएगा 2x प्लस बराबर कितना जोड़ 40, और इसका तिगुना है ये, तो समीकरण जब बराबर करेंगे 2x प्लस 40 बराबर x प्लस 10, ये समीकरण जब बराबर करेंगे तो गुना 3 इसमें करेंगे तब ना समीकरण बराबर होगा, x का वैल्यू तुरंत निकलेगा। ये देखिए 2x प्लस 40 बराबर 3x प्लस कितना 30, ये इधर गया ये इधर गया, x का वैल्यू 10 निकला, यानी x का वैल्यू 10 निकला, ये 25 निकला, और ये कितना होगा 10 × 20, और 10 × 20 अब 20 और 30 कितना 50। तो कहता है पिता की उम्र कितनी है, हम क्या करेंगे 50 में, ठीक है बेटा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है अगला, कहता है कि 20 वर्ष पूर्व मेरी आयु वर्तमान आयु की एक तिहाई थी। देखिए 20 वर्ष पहले की कहानी है, अपने से तुलना किया है, 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की तिगुनी थी, यानी या देखिए वर्तमान में ये लिखते हैं और आपका 20 साल पहले वाला ये है, और कहता 20 साल पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की क्या थी, एक तिहाई थी, यानी पहले 20 साल पहले मैं एक था तो अभी कितना हूं 3 हूं, इन दोनों में कितने का डिफरेंस 20 का, तो अनुपातिक डिफरेंस कितने का, अनुपातिक डिफरेंस 2 का, और वास्तविक डिफरेंस कितने का 20 का, तो भैया 2 = 20 तो 1 = 10, 3 = कितना 30, मेरी वर्तमान आयु कितनी है आप 30 में ठीक लगाएंगे, क्लियर। तो रीजनिंग के टाइप से ये सवाल को आप क्या करेंगे हल करते जाएंगे। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता एक पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है, ठीक है, एक फादर है और सन है, योग जो है 100 है, और कहता है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, 5 वर्ष पूर्व 2:1 था, तो 5 वर्ष पहले योग क्या, दोनों में 5-5 घटेगा, यानी योग कितना हो जाएगा 90, यानी 2:1:3 अनुपातिक 3 के लिए, मैंने अनुपात में योग कितना 3 और वास्तव में योग कितना 90, 5 वर्ष पहले की बात है, तो भैया 1 के लिए कितना 3 के लिए 30, 1 के लिए कितना 30, 3 के लिए 30, तो 1 के 3 के लिए 90 सॉरी 1 के लिए 30, 2 के लिए कितना 60, तो भैया ये क्या है 5 वर्ष पहले का है, तो कहता 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, जब ध्यान दीजिएगा ये 5 वर्ष पहले था तो वर्तमान में 65 और ये 35, कहता 10 वर्ष बाद तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 45, कहता अनुपात क्या है ये 75 और ये कितना 45, कब 10 वर्ष बाद, तो 15 × 5 = 15 अर्थात 5:3 में क्या करेंगे तो टिक लगाएंगे, अनुपात पूछा था 10 वर्ष बाद का। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता विवेक से अनिल जितना छोटा है, अनिल के को पॉइंट किया गया है, विवेक से अनिल जितना छोटा है, विवेक से जितना अनिल छोटा है उतने तरुणमा से बड़ा है, नहीं किसके बारे में बोला जा रहा है, विवेक से अनिल जितना छोटा है, मैंने कि अनिल विवेक से तुलना किया गया, अनिल के बारे में बोला जा रहा है कि विवेक से अनिल जितना छोटा है ना, मैंने अनिल जितना छोटा है उतने तरुण से क्या है बड़ा है, उतने तरुण से क्या बड़ा है, इसका इस दोनों का डिफरेंस क्या है समान है, नहीं यही तो सवाल है, तो हम एक चीज बताइए, जब ये बराबर ये गैपिंग और ये गैपिंग बराबर है तो तरुण से बड़ा ये ए से बड़ा भी, तो हम लिख सकते हैं क्या कि भी घटाओ ए बराबर ए घटाओ टी, नहीं लिख सकते हैं, अब ये ए उधर चला गया टी इधर आ गया, तो टू ए बराबर भी प्लस क्या टी, और कहता है विवेक और तरुण की आयु का योग 48 है, इसको मिटाइए 48 लिखिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा 24, आप टिक लगाएंगे, क्लियर है। चलिए अगला सवाल है आपका कि 10 वर्ष पहले साइरस, ध्यान दीजिएगा 10 नहीं 18 वर्ष पहले है, साइरस है और निखिल है, 18 वर्ष पहले की बात हुई है, कहते 2.5 गुना यानी 5/2 गुना, नहीं 5/2 गुना, 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना था, निखिल को तुलना किया गया है, अर्थात ये 2.5 गुना क्या है, 2.5 गुना मैंने 5/2, अर्थात ये 2 था, ये क्या था 5, और उनकी वर्तमान आयु का योग 92 है। इजी सवाल है, देखिए 18 वर्ष पहले का अनुपात ये है और कहता है उनके वर्तमान आयु का योग 92 है,
तो भैया 18 और 18 दोनों में घटेगा, अर्थात 92 घटाओ कितना हो जाएगा 36। तो 92 में यदि 30 गया तो 62 में 6 गया तो कितना 56, अर्थात 18 वर्ष पहले दोनों का योग कितना था 56। भैया वास्तव में 56 था, अनुपातिक में क्या था 5 2 7, तो 7 बराबर 56, तो 1 बराबर कितना 7, 8 56, तो 1 बराबर 8, तो 2 बराबर 16, और ये कितना 40। अब ये निकला है 18 वर्ष पहले, तो निखिल की वर्तमान आयु कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा 18 वर्ष पहले 16, तो अभी कितना 18 जोड़ 16 34, में क्या करेंगे हम टिक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है। सवाल है क्या कि एक्स और वाई का अनुपात 3:8 है, एक्स है और वाई है, अनुपात क्या है 3:8 है। ध्यान दीजिएगा, कहता है जबकि वाई और जेड के अनुपात, वाई और जेड का अनुपात क्या है 4:5 है। अब देखिए सबसे पहले सीधा अनुपात कीजिए, यदि इसको मैं 4 दुनिया याद कर दूं तो इसको भी 10 करना पड़ेगा, यानी एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड मैंने निकाल लिया। अब क्या कहता है, 2 वर्ष पहले एक्स और वाई का अनुपात 1:3 था, 2 वर्ष पहले एक्स और वाई का अनुपात 1:3 था। एक्स और वाई की बात हुई है कब, 2 वर्ष पहले। तो ये देखिए आप दो तरीके से यहां बना सकते हैं। पहला तरीका, यदि मैं अनुपातिक राशि एक्स मानू तो एक्स 2 साल पहले कितना था 3x/2, और ये कितना था 8x/2, और दोनों का अनुपात क्या था 1/3, तो भैया 3×9x/3 = 8x/2। अब ये आया एक्स बराबर कितना होगा उधर जाएगा यानी 4, तो एक्स का वैल्यू 4 निकलेगा, तो तीनों का योग हमारा निकल जाएगा 4×3 = 12, 8×4 = 32, 10×4 = 40। योग पूछा है तो हम सब कुछ बता सकते हैं। ये आप लॉन्ग में चले गए, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे देखिए, आप बना चुके हैं। हमको कहा था 2 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था, 2 वर्ष पहले, यानी दोनों में 2-2 की कमी कर दी गई। तेजी में बनाने का फॉर्मूला आप पीछे पड़ चुके हैं, तो 3×9 = 8, अंतर 1 का, अनुपातिक अंतर 1 का, 2×2 = 3, 2×6 = 6, तो 6 में 2 गया तो कितना 4, तो 1 बराबर 4। आपको योग पूछा है 10, 8, 18, 3, 21, तो अनुपातिक 1 के लिए 4, 21 के लिए कितना 84, तो आप 84 में क्या करेंगे टिक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है 12 नंबर सवाल है। कहते माता पिता और 2 बच्चों, देखिए मदर है फादर है, 2 गो बच्चा ए और बी है, और उनकी औसत आयु क्या है कर्मशः 30 साल और 8 वर्ष है। देखिए इन दोनों का एवरेज जो है 30 साल है और इन दोनों का एवरेज 8 साल है। एवरेज यदि 8 साल है तो मदर और फादर का योग कितना 60, और ए और बी का दोनों बच्चा का योग कितना 16, तो चारों का योग कितना 76। कहता है कि बताइए तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी, तो 76/4 = 19 में हम क्या करेंगे टिक लगाएंगे। दूसरा भी तरीका है, हम जब एवरेज चैप्टर पढ़ने लगेंगे तो उसमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए अगला 13 नंबर सवाल है कि रवि और जय, रवि है और जय है कि वर्तमान आयु 3:2 में है, और कहता है यदि 4 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था। देखिए 4 वर्ष पहले यदि 6 वर्ष बड़ा था तो अभी क्या, अभी भी तो 6 वर्ष बड़ा ही होगा, तो यानी जो अंतर है डिफरेंस सब दिन क्या रहा है समान है, तो भैया दोनों में वास्तविक अंतर 6 का, अनुपातिक अंतर 1 का, 1 बराबर 6, तो 2 बराबर 12, 3 बराबर कितना 18, तो बताइए अब जय की आयु कितनी है, हम क्या करेंगे 12 साल में टिक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते चलिए अगला सवाल है। कहते 8 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 21 वर्ष, ध्यान दीजिएगा 8 आदमी, देखिए बनाने का सेकंड में कैसे बनाते हैं, 8 आदमी का एक ग्रुप था जिसका औसत आयु क्या था जो अभी तक कह नहीं सकते हैं, लेकिन 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती कब, जब इससे 21 साल और 23 साल वाला 2 गो निकला, तो 21 और 23 कितना 44 साल वाला 2 गो गया। आदि 44 से आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 साल 8 में बढ़ा दिया, यानी 8 में बढ़ा दिया था 16 ज्यादा आया है, तो 44 जोड़ 16 = 60, 44 जोड़ 16 = 60, यानी दोनों का योग कितना है 7 साल है, औसत पूछा है तो 60/2, हम 30 में टिक लगाएंगे। क्लियर है? तो बेहतर यह तरीका है, आप जो है यदि इस तरह भी बना सकते हैं क्या, एवरेज मानिएगा एक्स, 8 आदमी का एवरेज मानिएगा एक्स, तो योग कितना होगा 8x,
क्योंकि एवरेज बराबर होता है दी गई संख्या का योग बटा दी गई कुल संख्या बराबर क्या एवरेज। तो हमने आठ आदमी का एवरेज माना एक्स, तो योग क्या हो जाएगा आठ एक्स हो जाएगा। अब जरा देखिए ये आठ एक्स में से 21 साल वाला और 23 साल वाला दो व्यक्ति गया, भैया दो गया तो आठ का तो आठ रह गया, एवरेज जो है एक्स प्लस क्या हो गया दो हो गया। समीकरण जब सोल्व कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा एक्स का मान निकलेगा, क्या मान निकलेगा एक्स का मान निकलेगा। आपको पूछा है दो नए जो आदमी आए हैं, जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा गलती हो गया है, ये आप दो नया आदमी आया है उसका एवरेज मैं वाई मान लेता हूं। जब आप हल कीजिएगा तो आपका वाई का वैल्यू निकलेगा, वाई दोनों का योग निकलेगा, उसे दो से भागा करके आप जो है जवाब देंगे, क्लियर। लेकिन इस तरह के सवाल हम जो है एवरेज चैप्टर में बखूबी सेकंडों में बनाएंगे, जैसे अभी बनाए तो उसका कॉन्सेप्ट हम वहां क्लियर करा देंगे। चलिए अगला सवाल है, कहता है कि मां 36 रुपया को अपने पुत्री श्रेया और भूमिका में उनके उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है, और श्रेया का उम्र है 15 साल और भूमिका 12 साल। तो भैया उम्र के हिसाब से बांटिएगा तो अनुपात क्या हो गया 3:5 और 3:4, अर्थात यही ना कहना चाहते हैं 5:4 में 36 रुपया को बांटिएगा। तो भैया अनुपातिक योग कितना 9, अनुपातिक योग कितना 9, तो 9 के लिए 36, तो 9 × 36 4×16 5×20। तो कहता है श्रेया और भूमिका कितने रुपये मिलेंगे 20 और 16 में, क्या करेंगे हम टिक लगाएंगे, क्लियर है। तो एक प्रॉब्लम को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, हम अगला चैप्टर जो है लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत